अबे हिम्मत है तो अबा? सॉरी गोमुख, कुत्ता तेरी पैंट ले गया। नहीं भैया, पैंट है। अबे इस तरफ की नहीं, उस तरफ की देख। वो कुत्ता मेरी आधी पैंट ले गया। अरे भैया जल्दी चलिए घर, वरना बाकी की आधी भी ले जाएगा। अरे कहाँ से जा रहा है? क्या होता है? अच्छा अच्छा। बोलो बोलो ना, बोलते क्यों नहीं? बोलो बोलो ना, बोलो बोलो। बहुत अच्छी मयूरी, कोमा तुम मोर की तरह नाचती हो। मयूरी कोमा तुम बहुत सुंदर हो। मयूरी ये नहीं, ये बोलो कि ये क्या हो गया आपको? कुछ नहीं मयूरी, गोमुख स्कूटर से गिर गया। स्कूटर से गिर गए? जी आप क्या बोल रहे हैं, गोमुख भैया तो आज स्कूटर ले ही नहीं गए। नहीं नहीं नहीं, भैया के कहने का मतलब है कि वो पैदल जा रहे थे, सामने से स्कूटर ने टक्कर मार दी। मोटे मोटे चेची, लेकिन आपकी आधी पैंट कहाँ फिट होती रहती? पैंट स्कूटर के इंजन में फंस गई, स्कूटर वाला ले गया, ले गया। बाबूजी, मौसी, मुबारक हो, मुबारक हो बराबर से। किस बात की मुबारकबाद दे रही हैं आप? अरे गोमुख की पैंट फटने की मुबारकबाद बराबर से। भाई क्या जोरदार तरीके से कुत्ते ने गोमुख की पैंट खींची, देख के मजा आ गया मुझे तो बराबर से। अरे ये क्या बोल रही है मयूरी की मौसी, आप कुछ बताओगे कि नहीं? अरे तुम लोग क्या मौसी की बातों में आ गए, ये तो कुछ भी बोलती रहती है फटाफट से। मौसी सही कह रही है भाभी, हमारे तीनों भैया ना टॉमी भैया के डर से घर से बाहर ही नहीं जा रहे हैं। टॉमी भैया? अरे गधे के टॉमी का मतलब वही वाला कुत्ता हो रहा है जो मोहल्ले में घूमता फिर रहा है और जिसने इन तीनों की नाक में दम कर रखा है बड़ावट से। भाभी आपको पता है क्या हुआ? ये मजाक नहीं है, कोयल अपने कमरे में जाओ। एजी लेकिन मैंने कहा ना कमरे में जाओ। अच्छा ठीक है, चलो 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 चलिए। मयूरी और तुम्हें क्या अलग से बोलूं, जाओ। शक्ले देख के अब मुझे एक जरूरी काम याद आ गया बड़ावट से। अच्छा मैं जाती हूँ। भैया हम भी जाएं? चले ही जाते हैं। किसी को सफाई देने से कुछ नहीं होगा, अब तो उस कुत्ते को ही साफ करना पड़ेगा। आज या तो वो कुत्ता रहेगा या हम। उस कुत्ते को कुत्ते की तरह धोएंगे, धोएंगे। चलो
तीनों भैया तो हमारे टॉमी भैया को मारने जा रहे हैं, अब क्या होगा? बुरा ये क्या कर रहे हैं बेटा? बाबूजी प्लीज आप बीच में से हट जाइए। मतलब अब यही एक तरीका बचा है। बाबूजी इस कुत्ते ने मेरी पैंट तक नहीं छोड़ी। ब्रेक इट ओपन। हमारा डर इसको मार के ही दूर होगा बाबूजी। एक मिनट ये दे मुझे। बाबूजी ये आप क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं बेटा, अपने अंदर का डर निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या? तुम तीनों से मुझे हमेशा डर लगा रहता है कि तुम तीनों पता नहीं कब कहाँ कौन सी बेवकूफी कर जाओ, इसीलिए वो डर निकालने के लिए मैं। लेकिन बाबूजी ये कौन सा तरीका हुआ डर निकालने का? यही तो मैं तुमसे पूछना चाह रहा हूँ, ये कौन सा तरीका हुआ डर निकालने का? एक बेजुबान जानवर के पीछे लठ लेके पड़े हो तुम लोग। बाबूजी आप नहीं जानते, इस कुत्ते ने पिछले दो दिनों से हमारी सारी ट्रेनें कैंसिल कर रखी है। सब पता है हमारे बाबूजी को, सब बता दिया हमने। हाँ, और इसीलिए मैं तुम लोगों को समझाने आया हूँ कि बेटा इस तरह से तुम्हारे दिल का डर कभी नहीं निकल सकता। लेकिन बाबूजी ये तीनों बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये कुत्ता पागल है, इसने मुझे काटा है। देखिए पागल ये नहीं है दीमक चाचा, पागल आप हैं। अरे एक बेजुबान जानवर कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता जब तक कि उसे छेड़ा ना जाए, तंग ना किया जाए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं बाबूजी आप, फटाफट से। पता है बाबूजी ये दीमक चाचा इस कुत्ते के साथ कुत्ते जैसी हरकतें कर रहे थे, फटाफट से इसे छेड़ रहे थे, इसीलिए इस कुत्ते ने इन्हें काटा फटाफट से। अरे जब इसने हमें काट लिया तो क्या हम चुप करके बैठे रहे? हरिओम, भगवान जाने कैसी सोच है आपकी। अरे कोई जानवर कुत्ता या सांप मान लो आपको काट लेता है तो क्या उसको आप वापस काटने जाएंगे? बाबूजी कह तो आप सही रहे, लेकिन ये बात भी सच है कि अगर कोई जानवर हमारे पीछे इस तरह से पड़ जाए तो उस पे उलट वार करने के अलावा हम कर भी क्या सकते हैं? बेटा मैं कह रहा हूँ ना, जानवर को जब तक तुम परेशान नहीं करोगे वो तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। लेकिन बाबूजी मैंने तो उसे कभी परेशान नहीं किया। चुप रहे कभी, झूठ मत बोले। अरे मैंने अपनी बजर बट्टू जैसी आंखों से देखा है, गोरिल्ले का मुखौटा लगा के कुत्ते को कौन डरा रहा था फटाफट से। ये तो बहुत गलत बात है कपी। भैया आप तो चुप ही रहो, फुल स्टॉप। आपने भी इस कुत्ते को दुनिया भर की धमकियां दी थी, कुत्ते मैं तेरा खून पी जाऊंगा। कुत्ते इंसानों की भाषा समझते हैं। ब्रेक इट ओपन। ए जी सिर्फ नाम के घोड़े हैं आप, हरकतें तो सारी गधों वाली हैं। भाभी प्लीज भैया को गधा मत बोलो, गधे बुरा मान जाएंगे। गधे तो बहुत प्यारे होते हैं, लाली पाली गाली हमारी तरह, है ना बाबूजी? हाँ बेटा सबको पता है बहुत प्यारे होते हैं। नहीं नहीं बड़े जेठी ने गधों वाली हरकत नहीं की है, लेकिन ये है ना कपी जी, इन्होंने पूरी बंदरों वाली हरकत की है डरते डरते। लेकिन बाबूजी मैंने तो कुछ नहीं किया, तो मुझे आप तो रहने ही दीजिए। एक सीधी सादी गाय होकर आपने बंदर और घोड़े का साथ दिया, मयूरी आपसे बहुत नाराज है। कमाल है, जिसे देखो हमारी गलती निकाल रहा है। अरे भाई ये कुत्ता हमारे पीछे पड़ा है, परेशान हम हो रहे हैं और आप इस कुत्ते को कुछ ना कह के हमें ही ज्ञान बांट रहे हैं। क्या कहते हैं उसको, उल्टा चोर कोतवाल को डांट रहे हैं। चुप, उल्टा चोर कोतवाल का बच्चा। और बेटा मैं ज्ञान नहीं बांट रहा हूँ, सच्चाई से अवगत करा रहा हूँ तुम्हें। हेलो हेलो, देखा कुछ कह रहा है ये मुझे? चलो तुम भी हाथ फेर के देखो,
बाबूजी इसने काट लिया तो? अरे नहीं काटेगा, तेरे जैसा पागल नहीं है ये। अच्छा अच्छा हूँ ना बेटा। बाबूजी ये तो कुछ नहीं कह रहे। ये तो टेंशन लूज करके बैठा है। हाँ बेटा, इसलिए कि आज पहली बार तुम लोगों ने इसे अपना प्यार दिखाया है। बेटा जानवर हो या आदमी या कोई भी जीव जंतु, सब एक भाषा समझते हैं, प्यार की भाषा। और बेटा किसी को भी अगर शक है तो आजमा के देख ले। दीमक चाचा आइए, आप भी आजमाइए। अरे कुछ नहीं होगा, बोल रहा हूँ ना मैं। देख रहे हैं बाबूजी, सब टॉमी को ही प्यार कर रहे हैं, हमसे कोई प्यार नहीं कर रहा। लो 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 लो। मैं हूँ ना बेटा। अरे हो मेरा गधा। सॉरी बाबूजी, हमारी ट्रेन गलत ट्रैक पे चली गई थी। बाबूजी हमें माफ कर दीजिए प्लीज। टॉट टॉट टॉट। तू भी क्या याद रखेगा माफ किया। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना बेटा, करोगे प्यार तो मिलेगा प्यार, और करोगे बैर तो मिलेगा वार। हाँ आजा बेटा, आजा 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 आजा। बाबूजी कहाँ जा रहे हैं आप, और ये आपके साथ कहाँ जा रहे हैं डरते डरते? बेटा मैं पुलिस स्टेशन जा रहा हूँ, लोग तो अपने कुत्ते के खो जाने की रिपोर्ट लिखवाने जाते हैं, और मैं जा रहा हूँ कुत्ते के मालिक के खोने की रिपोर्ट लिखवाने। अरे वाह। बेटा क्या बात है, आज तो कुछ ज्यादा ही खुश नजर आ रहा है। गोमुख भैया स्कूल से आ रहे हैं, मुझे तो लगता है पक्का प्रमोशन का मामला है। भाभी प्रमोशन का नहीं, इमोशन का मामला है। मानव दानव? अरे दानव नहीं, मानव। आज मलेशिया से मानव का फोन आया था। डॉट 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 डॉट। कौन मानव? वो बंटी? हाँ बाबूजी बंटी। बाबूजी वो आज रात की फ्लाइट से मलेशिया से दिल्ली आ रहा है, फिर दिल्ली से बनारस की कनेक्टिंग फ्लाइट पकड़ के कल सुबह यहाँ पहुँचेगा। डॉट 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 डॉट। छोटे मोटे जेजी ये मानव है कौन डरते डरते? बेटा बचपन का दोस्त है। किसके बचपन का दोस्त, आपके बचपन का या भैया के बचपन का? गधा प्रसाद अपनी ये बचपन पंती बंद कर दे और भैया को बोलने दे। भैया वो मेरे स्कूल का दोस्त है, सबसे अच्छा दोस्त, इन्वर्टेड कॉमास। हम दोनों साथ में खेलते थे, साथ में पढ़ते थे, और पिटते भी साथ में ही थे। डॉट 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 डॉट। बस फिर कॉलेज खत्म होते ही जिंदगी ने दोनों के रास्ते अलग कर दिए। मेरी नौकरी लग गई और वो बिजनेस करने मलेशिया चला गया। अरे पता है आज मलेशिया में वो कई फैक्ट्रीज का मालिक है। आई एम प्राउड ऑफ हिम। मुझे मानव पे फक्र है और अपनी दोस्ती पे भी। डॉट 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 डॉट। कल जब वो आएगा तो वो पल मेरी जिंदगी का सबसे खुशी का पल होगा। अरे ओ
और कल सुबह आप सब लोग उसके स्वागत के लिए तैयार रहना। ब्रैकेट ओपन। ठीक है भैया। खुश रहे बेटा, खुश रहे। ऑलमोस्ट 12 साल बाद मिलूंगा आज उससे, इसलिए नर्वस भी हो रहा हूँ और एक्साइटेड भी। डॉट डॉट डॉट। अरे एक घंटे से इतनी गर्मी में हम सब उसका स्वागत करने के लिए खड़े हैं। गोमुख कहीं के, मुझे ऐसा लगता है तुझे एयरपोर्ट जाना चाहिए था उसे लेने के लिए। भैया मैंने कहा था उसको, लेकिन उसने मना कर दिया। कहता है तू क्यों तकलीफ करता है, मैं खुद ही आ जाऊंगा। डॉट 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 डॉट। पता नहीं कहाँ रह गया। मैं मोड़ पे देख के आता हूँ। हाँ। अरे मयूरी ने तो पूरी रात वेलकम डांस की प्रैक्टिस भी की थी, पर देखो ना अभी तक आए नहीं है। अरे भैया मैं छत से देख के आ रहा हूँ, टेंशन टाइट, बंटी नोवेयर इन साइट। ओ गोमुख अंकल, अरे कब आएगा यार तेरा बंटी? एक घंटे से हम लोग एक प्लेटफॉर्म पे उसका स्वागत करने के लिए खड़े हैं, हावड़ा से भी लेट चल रहा है यार ये तो। अब एयरपोर्ट से आ रहा है, एयरपोर्ट से आने में थोड़ा टाइम तो लगता है ना। पूछता हूँ क्यों, एयरपोर्ट से रिक्शा पर आ रहा है क्या? अरे नहीं नहीं मयूरी की जेठ जी, वो बंटी ना बहुत अमीर खानदान से है। हा? वो जरूर किसी बड़ी सी गाड़ी में एसी ऑन करके आ रहा होगा। कहीं उसकी बड़ी कार के लिए अपनी गली छोटी ना पड़ जाए। ए जी क्या कह रहे हैं आप? हाँ अरे एक काम करते ना, गली चौड़ी करवा लेते हैं। हो सकता है कि वो एयरपोर्ट से हेलीकॉप्टर में बैठ के यहाँ आए। लेकिन भैया हेलीकॉप्टर उतरेगा कहाँ, छत पे? बस आप लोग मेरे दोस्त का मजाक उड़ा रहे हैं। स्टॉप। अबे मजाक तो तेरा दोस्त उड़ा रहा है, 4 साल पहले भी वो आने वाला था याद है तुझे, और इसी तरह तूने उसका इंतजार किया था 2 घंटे। हाँ लेकिन वो नहीं आया, याद रखना गोमुख आज भी नहीं आएगा वो। भैया वो मेरा दोस्त है। अबे वो तेरा दोस्त है तो हम क्या तेरे दुश्मन है? हम सब तेरे परिवार वाले हैं, तुझे पता है हम सब तेरे उस दोस्त की वजह से कितने परेशान हैं? कुछ अंदाजा भी है तुझे? वो आएगा, उसने मुझसे वादा किया है और वो अपना वादा निभाएगा, वो आपकी तरह नहीं है। क्या क्या मतलब क्या है तेरा, मैं अपना वादा तोड़ता हूँ हमेशा? देख गोमुख तू अपने बड़े भाई को अपने दोस्त के सामने छोटा बना रहा है। ऐसा कहकर आप दोस्ती शब्द को छोटा कर दो। ओहो तो अब तू मुझे सिखाएगा कि दोस्ती क्या होती है? जरूर पड़ी तो सिखाऊंगा। देख गोमुख भैया पागल हो गया गोमुख, घर के बाहर मोहल्ले में खड़े होकर दो भाई इस तरह से एक दूसरे के ऊपर चिल्ला रहे हैं, ये चिड़ियाघर के संस्कार नहीं है बेटा। बाबूजी इसके दोस्त का कोई भरोसा नहीं वो कब आएगा, लेकिन इसने हम सबकी ट्रेन सुबह से ऑटो पर खड़ी कर रखी है। वो आएगा भैया, मेरा दिल कहता है वो जरूर आएगा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.